हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शशांक, इस चैनल का होस्ट, और यहां पे हम करते हैं कोडित बार्स को डीकोड। और आज वी आर बैक विद चैन के जब तक मैं जिंदा ऑफिशियल वीडियो उर्दू रैप। तो भाई देखते हैं जब तक मैं जिंदा में क्या है। हम बहुत ही टाइम बाद चैन के पे वापस आए हैं लौट के। जितनी भी पाकिस्तान की जनता है, चैन के जितने भी फैन हैं, आ जाओ भाई साथ में देखते हैं जब तक मैं जिंदा। तो लेट्स गो, 1, 2 and 3 लेट्स गो भाई। ये तुम्हारा दोस्त है ना चैन, मैं इसको इसके घर में घुस के मारूंगा, मैं इसको इसके बाप के सामने मारूंगा, मैं इसको पुलिस के सामने मारूंगा। इसने मेरा नाम कैसे लिया, मेरा नाम कैसे लिया इस बंदे ने। भाई ये ब्लैक रोज मुझे उस भूतिया गाने की याद दिला रहा है। कौन सा भूतिया गाना था वो? नफ्स हमारा। डार्क बीट है। गुस्सा फिर से मेरे सर पे सवार, ये प्यार से समझाऊं पर ये धमकी उधार दे। लंबी लंबी छोड़े मैं ये, मैं वो लड़के तू जो भी है पता नहीं तुझे, खून खुआर मैं यानी। जब मैं गुस्से में मौत की भी परवाह नहीं, जब मैं गुस्से में खौफ भी बके डरा नहीं। गलत बयानी कब की कहानी था भाई, बदतमीज मैं मुंह में डाल रखे भरी तुझे कहानी था भाई। बता बीच में कट के दुश्मन करे हमला इकट्ठे। रुको भाई, मैंने नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं सुना अभी तक। मैं देख रहा हूँ भाई क्या मतलब किस फ्लो में गाना जाया जा रहा है। रुको अभी देखते हैं, सुनते हैं भाई, ढंग से सुनते हैं। तो फिर से मेरे सर पे सवार, ये प्यार से समझाऊं पर ये धमकी उधार दे। गुस्सा मेरे सर पे सवार, प्यार से समझाऊं पर ये धमकी उधार दे। गुस्सा मेरे सर पे सवार है, मैं इनको समझाता हूँ पर ये धमकी उल्टा मुझे ही देते हैं। लंबी लंबी छोड़े मैं ये, मैं वो लड़के तू जो भी है पता नहीं तुझे, खून खुआर मैं यानी। जब खून खुआर मैं भाई, खून का प्यासा हूँ मैं भाई, मेरे समझो। चैन के जितने भी हेटर्स लोग हो भाई, जो भी धमकी देता है समझो, ही इज प्यासा ऑफ खून। कर दे चलना कड़वे नफरत में फिर दुश्मनों का काफिला, पढ़के दिल सबके आगे रख दिया। ब्रो मेरे को बताओ, इज इट अ डिस्ट्रैक? क्योंकि मुझे बहुत ही वाइब आ रही है इस डिस्ट्रैक्ट जैसे, क्योंकि ही इज टारगेटिंग अ पर्टिकुलर पर्सन। क्योंकि लिरिक्स से सुन के ऐसे लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट कर रहा है। पाल को क्या हो गया भाई, छोड़ो भाई, किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट कर रहा है। मुझे बता देना भाई कौन है वो जिसके खून का प्यासा बन गया है चैन के। एंड बीच में एक लाइन आई थी के कैडबरी वाली, सबको पता है वो क्या है। ब्रो आई एम वन ऑफ देम। असली हिप हॉप के बाद लाइक चैन के को मैं पहले से बहुत पहले से सुनता रहा हूँ। लाइक वैसा बेटा टाइप, मैं उस वक्त उतना वैसे सुनता नहीं, उस वक्त मैं पाकिस्तानी हिप हॉप को फॉलो उतना करता नहीं था क्योंकि मैं उस खुद उतना हिप हॉप में नहीं था। बट आफ्टर जब असली हिप हॉप आया तो आई यूज टू हेट लाइक हिम यार, बहुत ही हेट करने लग गया था मैं कि भाई क्या मतलब, क्यों हेट कर रहे हो, क्यों फालतू में खुद हेट करके दूसरों में हेट फैला रहे हो एक आर्टिस्ट को, क्यों कैसे क्यों बोल रहे हो भाई, क्यों किस लिए। तो उसके बाद तो फिर उसके बाद मैंने सुनना बंद कर दिया। लेकिन फिर मैंने उसके बाद और गाने सुने इसके, लाइक हम शक्ल सुना, नफ से हमारा सुना, उसके बाद मैंने भाई बहुत सारे गाने यार, नाम याद नहीं आ रहे, पर मैंने बहुत सारे गाने सुने जो लाइक आई कॉन्ट जस्ट बिलीव। मैं हमेशा चैन के की एक तारीफ हमेशा करता हूँ भाई कि जो ये चीज़ें सारी की सारी चीज़ें खुद करता है ना ब्रो, डायरेक्शन से लेके प्रोडक्शन, मिक्सिंग, मास्टरिंग, लिरिक्स, और जिस तरीके से स्ट्रक्चर करता है ना सब कुछ,
और जो कॉन्सेप्ट सोचता है वो बहुत ही काबिले तारीफ है भाई, लिटरली में। एंड मैं कैसा बंदा हूँ जो हेटर से फैन, एक तरीके का फैन ही बन चुका हूँ। लाइक जो मेरे को पसंद आता है मैं उसका फैन बन जाता हूँ भाई। बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। एंड इसमें देखते हैं ब्रो, अभी बोला पांच को सुनाया है, उस तीन चार में से एक मैं भी हूँ। तीन चार कोई दो से दें हीरे ऊंट के हाथ से मेरे मजदूर ये तीन साल इनसे ऊपर मैं कामयाब इन पर हंसूं मैं नाराज जैसे अजाजील जैसे अल्लाह से करे जलील ये पर इज्जत वो। हर गाने में एक एलिमेंट होता है छोटा सा जो भाई दिल जीत लेता है। सुनो नाराज जैसे अजाजील जैसे अल्लाह से करे भाई, जलील ये पर इज्जत वो जात दे राजे के बाद घिरे लोग मैंने सरहद पार पंजाबी तौर में छोड़ा उर्दू रैप नाम के साथ पूछे लोग ऐसे दिल लूटे कब कब तक भी मानते नहीं रैपर्स पर सच यही कि जब तक मैं जिंदा 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 जब तक मैं जिंदा जिंदा ओ इज दिस दिस इज हुक रुको, जब तक वो नॉर्मल हुक चल रहा था, लाइक नॉर्मली एक एक इंस्ट्रूमेंटल पे जो पियानो पे हुक चल रहा था, जब तक मैं जिंदा 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 जिंदा, ब्रो इट्स लाइक कि शेर दो कदम पीछे जाता है अटैक करने के लिए, वैसा ही लग रहा है भाई ये। मतलब कि बहुत ही सिंपल सा हुक लग रहा था, लेकिन व्हेन गिटार केम अप ब्रो बहुत ही खतरनाक लगा। दोबारा सुनेंगे भाई हुक, दोबारा सुनेंगे, रुको, ऐसी चीजें नहीं छोड़ते। काला बीवर इज ब्रो, जस्टिन बीवर सुना था भाई, काला बीवर कहाँ से आ गया ब्रो यार, काला बीवर भाई ये कौन है मेरे को बताओ भाई, ये बंदा कौन है प्लीज, जरूर कमेंट्स में जरूर बताना भाई ये कौन है बंदा। पाकिस्तानी जस्टिन बीबर ने मुझे कॉल की सिफारिशी बच्चा सेल्फ मेड को धमकी दे दो कौड़ी की साजिश करूंगा चन को उसके घर के आगे पीटूंगा मम्मी डैडी बच्चा कोको मोजो जो के जी टू का तो स्पीड मत मैं भीख मांगू स्टीव का तू कत्ल करवा दे धमकी आ तू बात खींच ना यू दस ईंट मार तू मेरा सर पटवा दे जब अमजद साहब भी कत्ल सामने लोगों के मैं तो फकीर पैदल मिल जाऊंगा सड़कों पे लाखों कमा के खुशी से मैं गरीब अब तू याद के नाम न ले क्यों क्योंकि साबरी कत्ल ना यू दस ईंट मार दूं मेरा सर पटवा दे जब अमजद साबरी कत्ल सामने लोगों के When someone like Amjad Savdari can get killed in public, मैं तो फकीर पैदल मिल जाऊंगा सड़कों पे। He is telling man, जिस जिस जिसके लिए भी ये गाना है, जिस मतलब इतना तो मैं समझ गया कि ये एक ऐसे बंदे पे गाना है जो इसको बार बार धमकी दे रहा है कि भाई मैं मार दूंगा तुझे, खत्म कर दूंगा भाई तुझे, तेरे घर में घुस के मारूंगा, ऐसे मारूंगा वैसे मारूंगा। तो ही इज टेलिंग हिम भाई कि मैं तो एक कोई बंदा है जो बंदा रोड पे पब्लिक के सामने मारा गया है, मैं तो भाई फिर भी फकीर हूँ, तेरे को रोड पे मिल जाऊंगा आके भिड़ ले। ही इज टेलिंग मैन ही इज नो ही इज नॉट जब अफ्रेड ऑफ साबरी एनीवन, कत्ल सामने लोगों के मैं तो फकीर पैदल चल मिल मिल जाऊंगा जाऊंगा सड़कों सड़कों पे पे। लाखों कमा के खुशी से मैं गरीब अब तू धमकियां दे के नाम न ले क्यों क्योंकि तू अमीर अब जमीर रब ने किया जिंदा पूरा मिट्टी जवान पर मैं उसे भूमि रब ने किया जिंदा क्यों क्योंकि तू धमकियां दे के नाम ले क्यों, क्योंकि तू अमीर अब।
लाखों कमा के खुशी से मैं गरीब हूँ, ओके? Now you threaten me for taking your name. Like मैंने टेक हिज नेम, जिसके भी जिसके लिए भी गाना है चैन के ने उसका नाम लिया, एंड इज ही दिस इज दैट रिच गाय, तो ही सेइंग कि के धमकिया मैं तू मेरे को डरा रहा है क्योंकि मैंने तेरा नाम लिया. रुको भाई, जमीर रब ने किया जिंदा पूरा, मिट्टी जवान पर मैं रूह से बूढ़ा. गॉड वोक अप माई कॉन्शियसनेस एंटायरली, माई बॉडी इज यंग बट माई सूल इज ओल्ड. What a lyric. शिकायत लगा के पिछवाड़े पे शौक से दपड़का दी, भाई कौन ये औरतें पूछे दीवाने, बोला तो इनका उर्दू में खुदा में मजा जी, हाँ भी कितना मजा जी, नामे पनामे नीचे ये सारे करवा दे, केस निकल जाएगा तब भी कम, बस ये या दरवाजे पे कोई मरवा दे मुझे मेरे ही घर के, पूछे दुश्मनी करके रहेगा कब तक बे, ये तो रब जाने जब तक रखेगा वो तब तक मैं जिंदा. रुको भूख आएगा ब्रो, भाई रुको, हुक आने वाला है. उससे पहले बहुत सारी बातें बोल दी है भाई इसने, पता नहीं क्या क्या बोला, मेरे को कुछ समझ में भी नहीं आया. ना मैं गुंडा पर मैं ना शरीफों में, ठीक है मैं गुंडा भी नहीं हूँ एंड मैं शरीफों में भी नहीं हूँ, ठीक है. ना मैं शरीफ, पला बड़ा पाक के तकरीबन 10 शहरों, पाकिस्तान के 10 शहरों में रह चुका हूँ मैं, मेरा नाम लगा के अपने नाम के साथ मिजाजी खुदा बना के अपना घर चलाते. दे एड माई नेम टू देयर नेम्स जस्ट लाइक अ वुमन फ्रॉम हर हस्बैंड्स एंड डिपेंड. ओ ओ ओ हो, दिस वन इज गुड. लाइक जब वुमेन की शादी हो जाती है तो वो अपने हस्बैंड, उसका नाम उसके हस्बैंड के उस नेम से मिलता जुलता हो जाता है. सो वैसे ही बोल रहे कि ये दे आर यूजिंग माय नेम, मेरे नाम से अपना नाम जोड़ के अपना घर चला रहे हैं. तो ये यहाँ पे नीचे ये सारे अनिल इट्स सो मच आई फुल ऑफ ईगो एंड दोज आर ऑल बिलो मी, मजा जी यहाँ पे कितना मजा आता है, नाम नीचे ये सारे करवा दे केस निकल जाएगा तब भी कम, बस ये या दरवाजे पे कोई मरवा दे मुझे मेरे ही घर के, पूछे दुश्मनी करके रहेगा कब तक बे, ये तो रब जाने जब तक रखेगा वो तब तक मैं जिंदा जिंदा जिंदा. रब तब तक मैं जिंदा, जब तक रब है तब तक मैं भी जिंदा हूं. ओके तो भाई द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस सॉन्ग, भाई जो हुक आया गिटार पे, मैं भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, मजा आ गया भाई. क्या यार चैन के कभी डिसअपॉइंट नहीं करता भाई, मैं जो गाना सुनता हूँ उसका ना वो डिसअपॉइंट नहीं करता मुझे कभी भी. एंड मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि भाई इसको ऑस्कर दे दो एक्टिंग के लिए, बहुत ज़्यादा बंदों से अच्छी एक्टिंग करता है, वरुण धवन से ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर लेता है भाई, इसको
ऑस्कर दे दो इससे बढ़िया, वरुण धवन किसी मूवी में ले तो भाई इसको ही ले लो, फिल्म मेकिंग भी कर देगा। एंड सो गाइस टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट दिस सॉन्ग एंड दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और चैन के की सारी जनता आगे सब्सक्राइब करो भाई, सारे आके 500 सब्सक्राइबर जल्दी कराओ भाई। तो अभी के लिए चलते हैं भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड टाटा बाय बाय एंड सी यू।